जय भवानी, जय भवानी, जय सेवालाल, जय बिरसा। आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी मंच पर विराजमान, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में देश के भी अन्य भागों से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं, मैं उनका भी यहां से स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि को श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। महाराष्ट्र की संतान और देश की शान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को भी मैं नमन करता हूं। यवतमाल, वाशिम, तांडेर, मालगोर, बंजारा भाई, बिया, नायक, गांव, कारभारी, तमनून, हाथ जोड़न, राम रमी। साथियों, मैं 10 साल पहले जब चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था, तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया और आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार मैं यहां अपने सामने देख रहा हूं इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। गांव गांव से मैं इन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार। साथियों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानने वाले लोग हैं, उनके शासन को 350 वर्ष हो चुके हैं। उनका जब राज्याभिषेक हुआ सब कुछ मिल गया,
तो वे भी आराम से सत्ता का भोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की शक्ति को सर्वोच्च रखा। और जब तक रहे तब तक इसके लिए ही काम किया। हम भी देश बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर के निकले हुए लोग हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। मैंने भारत के कोने कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण कण, जीवन का क्षण क्षण आप सबकी सेवा में समर्पित है। और भारत को विकसित बनाने के लिए 4 सबसे बड़ी प्राथमिकता है, गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। ये चारों सशक्त हो गए तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा। साथियों, आज यहां यवतमाल में इन्हीं गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों को सशक्त करने वाला काम हुआ है। आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाले रेल प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेनें आज शुरू हुई हैं। इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है।
कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली से एक रुपया निकलता था 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 18,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट लिए जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को पूरा हक, पाई पाई बैंक खाते में। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। अभी महाराष्ट्र के किसानों को अलग से 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पैसा छोटे किसानों के कितने काम आ रहा। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने गन्ने के लाभकारी मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इससे महाराष्ट्र के करोड़ों गन्ना किसानों और खेत मजदूरों को लाभ होगा। कुछ दिन पहले ही हमारे गांवों में अनाज के गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आरंभ हुई है। ये गोदाम भी हमारे किसानों की सहकारी समितियां, हमारे सहकारी संगठन बनाएंगे, वे ही इनको नियंत्रित करेंगे। इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्व क्या होता है ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग
15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था, 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी जहां 50 लाख से कम परिवारों के पास ही नल से जल था, आज लगभग 1.25 करोड़ नल कनेक्शन है। तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं थी। महाराष्ट्र के विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी है और बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार है जिसने नीलवांडे बांध परियोजना को 50 वर्ष बाद पूरा करके दिखाया। कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और टेम्भू लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी दशकों बाद पूरी हुई है। कोसी खुर्द परियोजना का ज्यादातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया। आज भी यहां विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पीएम कृषि सिंचाई और बलिराजा संजीवनी योजना के तहत 51 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इनसे 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, मोदी ने गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी भी दी। अभी तक देश की 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस वर्ष के बजट में हमने घोषणा की है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। अभी संकल्प की सिद्धि के लिए मैं जुटा हूं। आज स्वयं सहायता समूह में बहनों बेटियों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इन बहनों को बैंकों से 8 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 40,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र में भी बचत समूहों से जुड़ी बहनों को इसका बहुत लाभ हुआ है। आज इन समूहों को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। यवतमाल जिले में
बहनों को अनेक ई रक्षा भी दिए गए हैं। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा सहित महाराष्ट्र की पूरी सरकार का इस काम के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और साथियों, अब बहने ई रिक्शा तो चला ही रही है, अब तो ड्रोन भी चलाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों के समूह को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर सरकार इन बहनों को ड्रोन देगी जो खेती के काम में आएगा। साथियों, आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का आपके लोकार्पण हुआ है। पंडित जी अंत्योदय के प्रेरणा पुरुष है। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित रहा है। हम सभी पंडित जी के विचार से प्रेरणा लेते हैं। बीते 10 वर्ष गरीबों के लिए समर्पित रहे हैं। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। आज भी हम महाराष्ट्र के 1 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड देने का अभियान शुरू हुआ है। पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए शानदार पक्के घर बने हैं। आज ओबीसी परिवारों के घरों के निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत 10 लाख ओबीसी परिवारों के लिए पक्के घर बनेंगे। साथियों, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। विश्वकर्मा साथियों के लिए, बलूतेदार समुदायों के कारीगरों के लिए कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। मोदी ने पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कांग्रेस के समय में आदिवासी समाज को हमेशा सबसे पीछे रखा गया, उन्हें सुविधा नहीं दी। लेकिन मोदी ने जनजातीय समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों तक की चिंता की है। पहली बार उनके विकास के लिए 23,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू हो चुकी है। ये योजना के महाराष्ट्र के कातकरी, कोलाम और माडिया जैसे अनेक जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन देगी। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति को सशक्त करने का ये अभियान और तेज होने वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। एक बार फिर किसान परिवारों को, आप सभी को अनेक अनेक बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।